हाय गाइस, पाइथन में हम लोग डेट एंड टाइम के बारे में जानेंगे। पाइथन में डेट एंड टाइम पढ़ने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक मॉड्यूल्स दिए गए हैं जिनका हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। फॉलोइंग मॉड्यूल्स आर यूज्ड टू वर्क विथ डेट टाइम एंड ड्यूरेशन। पहला हमारा है टाइम, दूसरा हमारा है डेट टाइम। इसमें टाइम को पढ़ना ज़रूरी नहीं था, अगर आप सिर्फ डेट टाइम को ही पढ़ें तो आपका काम हो जाएगा। मोस्ट ऑफ दी जो वर्क होता है हम लोग डेट टाइम मॉड्यूल से कर लेते हैं, मगर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इससे होगा ये कि हमें ज़्यादा मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी होगी तो हम लोग उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। इससे पहले कि हम लोग मॉड्यूल्स में जाएं, कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। पहला ईपॉक, द ईपॉक इज़ द पॉइंट वेयर द स्टार टाइम स्टार्ट्स, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से टाइम स्टार्ट होता है एंड इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, और ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। दिस पॉइंट इज़ टेकन एज द जनवरी 1st ऑफ द करेंट ईयर, और इतना आवर, इतना मिनट और इतना सेकंड, 00 आवर, 00 मिनट और 00 सेकंड। लेकिन यूनिक्स सिस्टम में ये चेंज हो जाता है और ये हो जाता है January 1st, 1970 और 00:00 और 00:00 इसका टाइम। देन हमारा एक UTC टर्म है, थ्योरेटिकली आप पढ़ लीजिएगा ये सारी चीज़ें, मतलब कुछ टेक्निकल नहीं है, ये थ्योरी नॉलेज है ये। देन हमारा एक DST करके नॉलेज है, तो इस ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको जब प्रैक्टिकल देखेंगे आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा अपने आप। बात करते हैं हम लोग जहाँ से हमारा प्रैक्टिकल शुरू होगा, टाइम मॉड्यूल्स की। तो टाइम मॉड्यूल्स में हम लोग दो फंक्शन पढ़ेंगे। पहला है टाइम फंक्शन, दिस फंक्शन रिटर्न्स द टाइम इन सेकेंड्स सिंस द ईपॉक एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। सो ये जब टाइम स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक के समय को सेकेंड्स में बनाकर आपको देगा ये फंक्शन। The specific date of epoch and the handling of leap seconds is platform dependent. So platform dependent होता है ये। दूसरा जो हमारा function है वह सी टाइम, दिस फंक्शन इज यूज टू गेट करेंट डेट एंड टाइम वैन वी पास epoch टाइम इन seconds टू the function। इसमें हम लोग एज अ पैरामीटर पास करते हैं, जो epoch हमें देता है इन seconds में उसको हम लोग यहाँ पर पास करते हैं। इट रिटर्न्स कॉरेस्पॉन्डिंग डेट एंड टाइम इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, और ये हमें उस सेकंड को कन्वर्ट करके देगा डेट एंड टाइम में स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। व्हेन वी डू नॉट पास ईपॉक टाइम इट रिटर्न्स करंट डेट एंड टाइम इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, जब नहीं पास करेंगे तब ये आपको करंट डेट एंड टाइम देगा, और अगर आप पास करते हैं और कोई स्पेसिफिक सेकंड से तो आपको वह डेट ये रिटर्न करके देगा, और जब इसमें कुछ भी पास नहीं करेंगे तो ये करंट डेट एंड टाइम देगा। क्लियर। एक और इसका हम लोग फंक्शन देखेंगे जो कि है लोकल टाइम फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट सेकंड्स इनटू डेट एंड टाइम। It returns an object struct underscore time which can be used to access the attribute either using an index or using a name. तो local time function क्या कहता है, local time function convert करेगा seconds को date and time में, और ये return करेगा एक object, और इस object का use करके आप इसके attributes को access कर सकते हैं। अब attributes को आप access कर सकते हैं index number से भी और उनके attribute name से भी। तो क्या क्या हमारे पास इंडेक्स है, सॉरी एट्रीब्यूट है, देख लेते हैं। ये सारे हमारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। लोकल टाइम जो आप फंक्शन लगाएंगे और उससे जो रिटर्न होगा एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप ये एट्रीब्यूट लगाएंगे तो आपको TM underscore year लगाएंगे तो आपको 4 डिजिट वाला ईयर रिटर्न मिलेगा। आप TM underscore MON लगाएंगे तो आपको मंथ मिलेगा 1 से 12 तक जो कि होता है रेंज, उसका लिखा हुआ है मैंने। देन आप डे लगाएंगे, मंथ डे, तो वह 1 से लेकर 31 तारीख तक होता है, तो उसमें से कोई आपको रिटर्न मिलेगा जो भी होगा। देन आवर है हमारा, ये 0 से 23 तक होता है, मतलब 24 घंटे का जो समय होता है उसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, रेंज उसका बता रहा है। देन मिनट है, देन सेकेंड है, देन वीक डे है जिसमें मंडे को 0 माना गया है, और ये हमारा ईयर डे है। मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं, बट एक कभी कभी 4 साल में एक बार ऐसा होता है जब हमारा 366 का डे हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखता है। देन बाकी कुछ टाइम जोन वगैरह हैं कि आपका क्या टाइम है, और नीचे जो आप देख रहे हैं टी कैपिटल में, वो एक्चुअली में कैपिटल में नहीं है, वो स्मॉल में है। लीजिए मैंने इसको स्मॉल में कर दिया, ओके। सो ये ध्यान में रखना है। हम लोग कुछ का एग्जाम्पल देखेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल है, जो यूज़फुल नहीं है उसको हम लोग छोड़ देंगे फिलहाल के लिए। सो आते हैं प्रैक्टिकल में, देखते हैं टाइम मॉड्यूल को। सो टाइम मॉड्यूल हमें यूज़ करना, तो टाइम मॉड्यूल कैसे यूज़ करते हैं, मॉड्यूल यूज़ करने के लिए आपको मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट का मैंने आपको पूरा डिटेल वीडियो बताया था। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, फ्रॉम टाइम, ये टाइम मॉड्यूल का नाम लिखा मैंने इंपोर्ट। इस मॉड्यूल से हमें क्या क्या यूज़ करना है, इससे हमें एक फंक्शन यूज़ करना है टाइम का, एक फंक्शन यूज़ करना है सी टाइम, फंक्शन का नाम है ये, और एक फंक्शन का नाम है लोकल टाइम।
तो इस मॉड्यूल से मुझे ये तीन फंक्शन यूज़ करने थे, तो मैंने तीनों को नाम लिखकर स्पेसिफिकली इम्पोर्ट कर लिया। अगर मैं ऐसे लिखूँ स्टार तो सारा चला आएगा, लेकिन मुझे सब कुछ चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ तीन फंक्शन चाहिए। नेम मेरे पास है तो मैंने सिर्फ नाम लिख लिया। आपको इनमें से किसी एक की आवश्यकता पड़ेगी मैक्सिमम ज़्यादातर, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, लोकल टाइम ज़्यादातर यूज़ होता है। सो अगर आप लिखते हैं टाइम इस तरीके से तो ये आपको रिटर्न करके देगा, जिसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं सेकंड में ये रिटर्न करता है, जिसको हम लोग epoch नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अभी सिंपली हम लोग इसको करेंगे प्रिंट। सो मैंने epoch लिखा, इसको सेव कीजिए। epoch का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से हमारा टाइम स्टार्ट हो रहा है। सेव किया। उसके सेव करने के बाद इसको करेंगे जी रन, तब कोई इतने सेकेंड्स मिल जाते हैं अभी तक के, इसे आपको मिल जाएगा अभी का डेट। कैसे मिलेगा, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेट एंड टाइम में। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं सी टाइम। सो ET मतलब epoch टाइम इक्वल सी टाइम, और इसमें हम लोग लिखेंगे epoch, यानी कि जो सेकेंड्स आया हुआ है उसको हम लोग ET प्रिंट कर लेते हैं। तो हमें ये ET बता देगा डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में। यहाँ हम लोगों ने सेकेंड में दिया, हम लोगों ने अभी इसको प्रिंट किया था, ये हमें सेकंड में बता रहा था, यानी कि epoch में क्या है कुछ सेकंड्स हैं, उस सेकंड्स को हमने सी टाइम को दिया, सी टाइम उसको डेट एंड टाइम में कन्वर्ट करके देगा, जिसे हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो मैंने इसको क्या सेव करने के बाद इसको करूँगा रन, तो आप देख सकते हैं हमें ये डेट दे रहा है आज का, आज 14 अगस्त है और रात के करीब इतने बज रहे हैं 2019। अगर आप सी टाइम को विदाउट एनी पैरामीटर कॉल करेंगे तो आपको करेंट डेट एंड टाइम देगा। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि ये भी हमें करेंट ही दे रहा है, बट एक्चुअली में यहाँ पर जो हमारे पास है epoch में उसके अकॉर्डिंग ये आपका आउटपुट दे रहा है। लेकिन जब आप इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ कुछ इस तरीके से कि प्रिंट सी टाइम, डायरेक्ट यहीं पर कॉल कर दूँ और इसको सेव करके हम लोग अगर रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको करंट ही मिल रहा है, बट एक्चुअली में ये वाला करंट है और ये वाला जो सेकेंड देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, सो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अभी हम लोग इसको करेंगे कट यहाँ से यहाँ तक का काम। अभी हमारा एक लास्ट फंक्शन बचा हुआ जो कि है लोकल टाइम। सो लोकल टाइम क्या करता है, लोकल टाइम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं। उसका नाम मैं देता हूँ STOBJ, स्ट्रक्ट टाइम, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो मैंने STOBJ में उसको स्टोर कर लिया। अभी सिंपली अगर हम लोग इसको प्रिंट करें, यानी कि STOBJ को इसको सेव किया, सेव करने के बाद अगर हम इसको रन करेंगे तो आपको ये सारे एट्रीब्यूट्स दिखाएगा। देखिए ये हमारा है ऑब्जेक्ट, और इसमें देखिए TM ईयर है जिसमें आपको अभी 2019 है, TM मंथ है जिसमें 8 है, TM एम डे है जिसमें 14 तारीख है आज का, देन टाइम है। सो इस चीज़ से आपको ये सारे डेटा मिलता है। अभी आप चाहें तो इनके एट्रीब्यूट्स को एक एक को एक्सेस करके आप इसका डेटा फेच कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे सिर्फ ईयर चाहिए, मैं क्या लिखूँगा, प्रिंट और हमारा ऑब्जेक्ट है STOBJ.year एट्रीब्यूट TM ईयर। तो TM ईयर लिखा मैंने, TM ईयर लिखने के बाद आप इसको जब रन करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ईयर दिखाई देगा। मैं इसको हटा देता हूँ, ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट, एक बार ही वो हमारे लिए काफ़ी। देन यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले तो देखिए TM ईयर लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, मतलब कितना ईयर है अभी वो मिल जाएगा। देन आप मंथ जानने के लिए ये लिखेंगे, डे जानने के लिए ये लिखेंगे, आवर जानने के लिए ये लिखेंगे, और मिनट्स के लिए ये लिखेंगे TM मीन। मैं आपको सारी चीज़ें लिख कर दिखा देता हूँ क्विकली, जिससे कि हमारा भ्रम ख़त्म हो जाए। सो इतने सारे डेटा हमारे यूज़फुल थे तो मैंने सबको लिख लिया। लिखने के बाद हम लोग इसको क्लियर करके सिंपली इसको रन कर देंगे। देखिए हमें एक एक करके एट्रीब्यूट सारे मिल जा रहे हैं। इसको अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे आप यूज़ कर सकते हैं वह भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसको कैसे यूज़ करना होता है। आप इसको लिखेंगे प्रिंट और STOBJ.TM, हम लोग अपने इंडिया का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, एम डे। देन इससे हमारा क्या होगा, मंथ का डे हमें पता चलेगा। देन उसी तरीके से हम लोग मंथ का डे मतलब तारीख पता चलेगा। उस तरीके से हमें तारीख के बाद क्या चाहिए होता है, तारीख के बाद हमें आवश्यकता पड़ती है महीने की, यानी कि हाँ कौन सा महीना है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे TMon। फिर हम लोगों को चाहिए होता है ईयर, तो ईयर के लिए हम लोग वही हम लोग एस टी
stobj.. ओके इसको इतना इतना बस इतना देखना, सेव कैसे, मैं सेव करने के बाद अगर मैं इसको रन करूँ, क्लियर करके रन करता हूँ तो हमें इस तरीके से दिखाई देता है। तारीख 14, आठवां महीना है यानी कि अगस्त का महीना है और ये 2019 है। और बेहतर इसको बनाते हैं, इसमें हम लोग एक इंड यूज़ करेंगे, ये हम लोगों ने पहले ही सीखा हुआ है कि इंड क्या करता है, सेप क्या करता है। यहाँ पर ऑब्लिक लिख देंगे, कॉमा इंड और यहाँ पर ऑब्लिक, इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको अगर आप क्लियर करके रन करेंगे तो आपको तारीख कुछ इस तरीके से दिखाएगा, वेल फॉर्मेटेड। सेम इसी तरीके से आप समय के लिए भी कर सकते हैं, मतलब जो टाइम है उसके लिए, तो मैं यहीं पर लिख के आपको बताता हूँ उसका TM आवर। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं या ना करें, नहीं करते हैं इसको, हम लोग टाइम, हम लोगों ने डेट तो देख लिया, अभी टाइम दिखा देता हूँ मैं आपको, हो गया हमारा आवर। और हमें चाहिए मिनट, तो मीन, सेकंड भी चाहिए तो SCC। सेव किया, इसको सेव करने के बाद इसको करेंगे रन, लेकिन हमारा जो टाइम होता है इस तरह इस फॉर्मेट में नहीं दिखता हमें, वहाँ क्या दिखता है, कॉलन दिखता है घड़ी में, तो कॉलन दे देते हैं इसको। देने के बाद इसको करेंगे रन, तो देखिए टाइम हमें दिखाई दे रहा है, ओके सब इतना बज रहा है घड़ी में, तो ये है हमारा लोकल टाइम, और ये लोकल टाइम बताता है, ठीक ना, जैसा कि लिखा हुआ है। सो ये था हमारा टाइम मॉड्यूल का कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड, इतना ही नहीं है और भी है, बट ये इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर यूज़ होता है, जिसमें से ज़्यादातर यूज़ होता है लोकल टाइम। होपफुली आपको समझ में आया होगा, हम लोग आगे देखेंगे कुछ और इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।